दाम। तो कांग्रेस का पास से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। दावा, ये आवश्यकता नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी की अनुकंपा हो सकती है। बेदम, गठबंधन हो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर। दबदबा, समाजवादी पार्टी या सैफई परिवार के नाटक का पर्दाफाश हो गया है, इसलिए सब एक हो जाएंगे तब भी विजय भाजपा की। दाग, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नीयत में खराबी है। देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क अगर, नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा। बादल साहब तू करके हेरा फेरियां चढ़ बैठा टीसी, तेन टिड दे नालों बलिया पैसे दियां भुखा, किन्नियां रोटियां खानियां यारो। चुनाव चालीसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। घड़ी में 8 बज चुके हैं, वक्त चुनाव चालीसा। ये चुनाव का टक्कर है, सबकी सबसे टक्कर है। आज हम लेकर आए हैं चुनाव चालीसा। चुनाव चालीसा में आज आपको दिखाएंगे वो चुनावी खबरें जिसने पूरे देश में मचा दी है खलबली। करेंगे ऐसे खुलासे जो चुनावी हवाओं का रुख मोड़ सकते हैं। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दिल तोड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के चांस अब ना के बराबर। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन का नो चांस। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के उपाध्यक्ष। दोनों ही उत्तर प्रदेश में चुनावी दोस्ती करने में थे। कोशिश थी बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन बनाने की, लेकिन ये कोशिश समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद नाकाम ही समझिए। 54 सीट्स कांग्रेस का हक है, जहाँ कांग्रेस का वोट सपा से ज्यादा वोट मिला। इससे कांग्रेस कुछ सीट मांगे तो बात करके राष्ट्राध्यक्ष के साथ बात करके फैसला करना पड़ेगा। कांग्रेस का पास से पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा ने पहले तीन चरण के चुनावों के लिए पार्टी के 191 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कांग्रेस के जनाधार और पसंद वाली सीटों से भी अखिलेश के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी अब भी कह रही है कि कांग्रेस से गठबंधन की गुंजाइश है। कुछ कांग्रेस का आइडियल रवैया था जिस बारे में कहीं ना कहीं रुकी वार्ता, लेकिन अभी भी जो वार्ता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का नया दाव कांग्रेस का दम निकालने वाला है। कल तक यूपी में जीत का दम भरने वाली कांग्रेस को आज लगता है कि उसके आत्मसम्मान को झटका है। मैं ये मानता हूं कि गठबंधन हो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर, गठबंधन के लिए कोई अभी किसी भी तरह का कोई अवरोध तो नहीं आया। एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आवश्यकता नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी की अनुकंपा हो सकती है। समाजवादी पार्टी को ये भी लगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को संजीवनी क्यों दी जाए। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कभी हां तो कभी ना के दौर में चल रहा है। अखिलेश यादव ने 209 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि उम्मीद का दिया जल रहा है। आखिर क्या है अखिलेश यादव के एक तरफा फैसले की वजह, जानिए। गठबंधन टूटने की इनसाइड स्टोरी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की खिचड़ी काफी पहले से पक रही थी। जब तक समाजवादी पार्टी में पिता पुत्र और चाचा भतीजे का विवाद नहीं हुआ था तब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 68 सीटों पर गठबंधन के लिए तैयार थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी का विवाद चुनाव आयोग तक पहुंचा तब कांग्रेस 100 सीटें मांगने लगी। जब चुनाव आयोग का फैसला अखिलेश के पक्ष में आया तो कांग्रेस की मांग घट गई। अब वो 80 से 85 सीटें अखिलेश यादव से मांगने लगी। जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की बात दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस ने 90, फिर 95 और उसके बाद 125 सीटों की मांग रख दी। राहुल गांधी अखिलेश से चुनावी दोस्ती तो निभाना चाहते थे, लेकिन उनकी मांगे अखिलेश की उम्मीदों से ज्यादा बढ़ने लगी। कांग्रेस अमेठी, रायबरेली और सहारनपुर की सभी सीटें अपने उम्मीदवारों के लिए मांग रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी अमेठी की सभी सीटें अपने पाले में रखना चाहती थी और रायबरेली की सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को देना चाहती है। अमेठी हम लोग का सिटिंग सीट है, जो कुछ होगा बातचीत से ही होगा। बातचीत एक आधार पर होता है। 2012 साल चुनाव में जहाँ जहाँ कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला सपा से, वो सीट कांग्रेस का रहेगा। इससे ज्यादा कुछ कांग्रेस मांगे तो बातचीत में जो फैसला होगा होगा। गठबंधन के ऐलान के वक्त भी राहुल गांधी लखनऊ नहीं आ रहे थे, सिर्फ राज बब्बर को भेज रहे थे। ये बात अखिलेश को पसंद नहीं आई।
कांग्रेस समझ रही थी कि गठबंधन की जरूरत समाजवादी पार्टी को ज्यादा है। अखिलेश ने कांग्रेस की इस समझ को उसकी नासमझी में बदल दिया। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव अब आईपीएल की तरह होते दिख रहे हैं। पहले तो त्रिकोणीय मुकाबले की बात थी, पर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी राष्ट्रीय लोकदल की तरह अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं, तो सबका मुकाबला सबसे होगा। चाचा को भतीजे का दोहरा झटका। चुनाव आयोग में अखिलेश यादव की जीत के बाद चाचा शिवपाल यादव के बुरे दिन शुरू हो गए। शिवपाल यादव के चहेतों को तो छोड़िए, उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिला। शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव के लिए जसवंत नगर से टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट मिला शिवपाल यादव को। समाजवादी पार्टी के 191 उम्मीदवारों की पहली सूची में आदित्य का नाम नहीं था। शिवपाल खुद मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट उन्हें नहीं मिली। समाजवादी पार्टी का टिकट किसको मिलेगा और किसको नहीं, इस चुनाव में ये सब कुछ अखिलेश यादव तय कर रहे हैं। शिवपाल ने जिसे धक्का दिया था उसे भी टिकट। 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी की रजत जयंती समारोह के मंच पर अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे जावेद आब्दी को शिवपाल यादव ने धक्का दिया था, उनसे माइक छीन लिया था, लेकिन अखिलेश ने जावेद आब्दी को टिकट देकर सम्मानित किया है। जावेद आब्दी अखिलेश के बेहद करीबी है, 2012 के चुनावी कैंपेन में भी वो उनके साथ थे। अखिलेश यादव ने जावेद आब्दी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। मुलायम के भतीजे के विरोधी को टिकट। बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं। धर्मेंद्र के विरोधी रहे आबिद रजा को अखिलेश यादव ने बदायूं शहर से टिकट दिया है। जब अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने आबिद रजा को पार्टी से निकाला था। आबिद रजा आजम खान के करीबी माने जाते हैं और बदायूं शहर से विधायक भी है। मुलायम के रिश्तेदार का टिकट कटा। चुनाव आयोग में अखिलेश खेमे की लड़ाई से पहले मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी की थी तो उसमें मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता का भी नाम था। मुलायम सिंह यादव ने प्रमोद गुप्ता को बिधूना से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रमोद गुप्ता को टिकट नहीं दिया। तो कल तक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शिवपाल यादव की तूती बोलती थी। टिकट बंटवारा भी उनकी पसंद के उनकी नापसंद के मुताबिक हुआ करता था, लेकिन आज हाल ये है कि उन्हें भतीजे अखिलेश ने टिकट तो दिया लेकिन मनपसंद सीट नहीं दी। चाचा को भतीजे का दोहरा झटका। चुनाव आयोग में अखिलेश यादव की जीत के बाद चाचा शिवपाल यादव के बुरे दिन शुरू हो गए। शिवपाल यादव के चहेतों को तो छोड़िए, उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिला। शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव के लिए जसवंत नगर से टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट मिला शिवपाल यादव को। समाजवादी पार्टी के 191 उम्मीदवारों की पहली सूची में आदित्य का नाम नहीं था। शिवपाल खुद मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट उन्हें नहीं मिली। समाजवादी पार्टी का टिकट किसको मिलेगा और किसको नहीं, इस चुनाव में ये सब कुछ अखिलेश यादव तय कर रहे हैं। शिवपाल ने जिसे धक्का दिया था उसे भी टिकट। 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी की रजत जयंती समारोह के मंच पर अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे जावेद आब्दी को शिवपाल यादव ने धक्का दिया था। तो अखिलेश को जो पसंद है वो लिस्ट में है, जो नापसंद है उनको भी किनारा कर दिया है। अब आपको पता ही है कि देश के सबसे ईमानदार नेता आजम खान है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कही है। आजम खान पार्टी की कलह के दौरान सुलह की कोशिश करते रहे, मीडिएटर के तौर पर नजर आए। इनाम में उन्हें और उनके बेटे को पार्टी का टिकट मिल गया। आजम की लगन, बेटे को इनाम। जब समाजवादी पार्टी अखिलेश गुट और मुलायम गुट में बटी थी तब आजम खान बड़ी चालाकी से अपनी चाल चल रहे थे। पूरी लड़ाई में आजम साबित करते रहे कि वो ना तो अखिलेश के साथ है ना मुलायम के साथ है, वो है तो सिर्फ अखिलेश और मुलायम को मिलाने के पक्ष में। पार्टी भी बची, साइकिल भी बची, और आप देख रहे हैं कि रिश्ते भी बचे। आजम खान को अखिलेश ने इसी का इनाम भी दिया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को पहली बार समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है। अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि रामपुर से आजम खान समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे ने की टिकट लौटाने की पेशकश। कांग्रेसी से समाजवादी बने बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह यादव के अच्छे दोस्त हैं। मुलायम सिंह ने बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को बाराबंकी की रामनगर सीट से टिकट दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने राकेश वर्मा को कैसरगंज से टिकट दिया। हालांकि राकेश वर्मा ने टिकट लौटाने की पेशकश की है। अरविंद सिंह गोप को भी समाजवादी टिकट। मुलायम सिंह यादव के उम्मीदवारों की सूची से अरविंद सिंह गोप का पत्ता कट गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने करीबी मंत्री अरविंद सिंह गोप को रामनगर से टिकट दिया। अब तो आप समझ ही गए हैं, चुनावी नतीजों में उलटफेर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन यूपी में चुनावों से पहले का चुनाव भी कम मजेदार नहीं है। पिता मुलायम की लिस्ट में जिन्हें जगह मिली थी, अब अखिलेश की लिस्ट आने के बाद
घूम रहे हैं जगह जगह। मुलायम के कई चहेते खाली हाथ, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के कई करीबियों का पत्ता साफ हो गया। अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट से मुलायम शिवपाल के करीबी जमीरुल्लाह का टिकट कटा। उनकी जगह कोल से अज्जू इशाक को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है। फायदे में समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल। समाजवादी पार्टी में हुई लड़ाई के दौरान नरेश अग्रवाल खुलकर अखिलेश यादव के साथ थे। अखिलेश ने टिकट बांटते समय नरेश अग्रवाल की सेवा का पूरा ख्याल रखा। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट मिला है। नितिन हरदोई से विधायक हैं और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी। लालू के दामाद भी लड़ेंगे यूपी चुनाव। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर लालू यादव ने भी समाजवादी पार्टी की लड़ाई खत्म करने में अहम रोल अदा किया था। अखिलेश यादव ने पहली बार लालू के दामाद राहुल यादव को बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से टिकट दिया। राहुल यादव के पिता जितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से MLC भी हैं। एक बात समझिए, नेता मुलायम सिंह यादव और CM अखिलेश में भले ही दूरियां रही हो, लेकिन बाप और बेटे में ना कोई दूरी आई ना दरार। यही वजह है कि पिता मुलायम हुए हैं और खबर है कि बेटे को सत्ता मिले और जनता का साथ, उसके लिए मुलायम करेंगे प्रचार प्रसार। मुलायम करेंगे अखिलेश के लिए प्रचार। मुलायम सिंह यादव के कई चहेतों का टिकट अखिलेश यादव ने भले ही काट दिया हो, लेकिन चुनाव प्रचार में पिता मुलायम अपने पुत्र अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। निर्दलीय विधायक राजा भैया के मुताबिक उनसे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। नेताजी की इच्छा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश जी के नेतृत्व में बने, और इसके लिए वो स्वयं भी निकलेंगे, प्रचार करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, रैलियां करेंगे, और मैं समझता हूं कि पार्टी के प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी में कांग्रेस को BJP का झटका। इलाहाबाद के मेयर अभिलाषा गुप्ता और गोपाल नंदी कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में इन्हें BJP टिकट दे सकती है। यूपी में BJP की दूसरी सूची का इंतजार। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के चुनाव के लिए BJP देर रात तक या फिर अगली सुबह तक उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। राजनाथ सिंह के बेटे की किस्मत का फैसला। BJP की दूसरी सूची में पता चलेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को किस विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। पंकज सिंह को साहिबाबाद और नोएडा में से किसी एक विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ती नाराजगी। मायावती का साथ छोड़कर BJP का साथ निभा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों नाराज चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के लिए 70 से 80 सीट मांग रहे हैं, लेकिन BJP 4-5 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में भी है। तो ये बात तो पक्की है कि इस बार यूपी में मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं होने के बाद अब ये मुकाबला, अगर नहीं होता है गठबंधन तो ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं रहा, फिर होगा सबकी सबसे टक्कर वाला हिसाब। यूपी चुनाव का चक्कर है सबकी सबसे टक्कर है। 48 घंटे पहले तक चर्चा तो ये थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इस त्रिकोणीय मुकाबले में एक टीम BJP की होगी, दूसरी टीम BSP की होगी और तीसरी टीम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और RLD के महागठबंधन की होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और RLD में बात नहीं बनने से यूपी का मुकाबला IPL की तरह हो गया है, जहां सबकी सबसे टक्कर है। पिता पुत्र एक हैं, चाचा भतीजा एक हैं, बुआ और भतीजे भी एक हैं, वो अलग अलग चेहरा दिखा रहे हैं, तीनों सब एक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उत्तर प्रदेश का 50% से अधिक मतदाता एकजुट होकर के खड़ा है, इसलिए सब एक हो जाएंगे तब भी विजय भाजपा की। महागठबंधन का नशा RLD से उतरा। सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से RLD की बात जब नहीं बनी तो अब वो अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही है। हालांकि RLD के साथ JDU, JDS और राष्ट्रीय क्रांति दल जैसी सीमित प्रभाव वाली पार्टियां भी हैं। JDU, JDS, देवगौड़ा जी की पार्टी, NCP शरद पवार जी की पार्टी, RK चौधरी जी की पार्टी, और इन सब लोगों से भी तो हम लोग बात कर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह की अगुवाई में गठजोड़ बना था और उस गठजोड़ को बड़ा करने की बात हम सोच रहे थे, बड़ा दिल बनाकर, और उसके लिए समाजवादी पार्टी का दोष है, हमारा कोई दोष नहीं। RLD की जोड़ी OVC के साथ,
यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी दो दो हाथ कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय चर्चा ये है कि RLD का चुनावी गठबंधन ओवैसी के साथ भी हो सकता है। RLD को लगता है कि ओवैसी का साथ मिलने से मुस्लिम वोटों का फायदा मिल सकता है। चुनाव चालीसा में अब बात जरा पंजाब की हो जाए। आपने हमेशा यही सुना होगा कि बादल बरस पड़े हैं, मगर आज बादल पर बरखा हो गई, वो भी आरोपों की। गुरु ऐसे हुए शुरू के बादल पर आरोपों की झड़ी लगा दी। बादल सरकार पर सिद्धू का आरोप। बादल साहब तू करके हेरा फेरियां चढ़ बैठा टीसी, तेनू टिड दे नालों बलिया पैसे दियां भुखां। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने बादल सरकार पर निशाना साधा। सिद्धू ने बादल सरकार पर 1,00,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया कि 2007 दे विच सरदार बादल दीआं 50 बसां सी, दो ट्रांसपोर्ट कंपनियां सी, पंजाब रोडवेज ते पंजाब दी जिनी ट्रांसपोर्ट है वो सारी 350 या 400 करोड़ दे घाटे च है। सिद्धू ने कहा कि बादल परिवार ने अपने 10 साल के शासन के दौरान आबकारी संग्रह, पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों में पंजाब को लूटा। साडे पग दी गल है, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, बैरियां ने अज तेरा लुट लिया माल, ओए करता कंगाल, ओए छड्डे ही कुछ नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस के उम्मीदवार है।